अब मैं दावत दूंगा आज के बीमारी प्रकृति चक्री टूरिज्म कल्चर आर्कियोलॉजी मिस्टर मोहम्मद तारिक और जी साहब से कि वो नीचे तशरीफ ला के बहुत जबरदस्त जबरदस्त हाँ जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह खेल करू रही खेल क्या किसी ने हम रुपये खर्चा खुश नहीं खेल जी नाजरीन अभी पहले मैच स्टार्ट होने वाली है। हम ग्राउंड में मौजूद थे तो ग्राउंड के बीच में आ रहे हैं अभी सेंटर लाइन पे। हमारे मेहमान खास नीचे तशरीफ ला चुके हैं, मुबारक से बाल सेंटर लाइन में फेंक देगी और इस तरह पोलो मैच का पहला जलोदा शंदूर पोलो मैच का पहला शुरू होने वाला है। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे इस मैच का आगाज होगा। बिल्कुल साहब गिलगित चले सर बॉल दें मैच का बाकायदा आगाज हो चुका है। 2022 का पहला मुकाबला हमारे लिए भी मसला होगा, इस तरह नहीं होता। थोड़ा सा अंदर पीछे 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 यार फिर हर आदमी का शौक है मैं आ गया हूँ। चलो
Thank you.
Zero de cut com jamos. Zero de cut com jamos. É um porto, tá de boi. Hardy Gonjamushi, you go. No, no, no. अगर कि एक खिलाड़ी के हाथ में नहीं लेकिन फिर भी डिपेंड कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अपनी तरफ से जूनियर कमेटी के नाम मेरे पास आए हैं हनुमा सिंह जिनमें शीर पोलो कोच बिल्कुल जान जबकि टीम और उनके साथ काशिफ जियादो के मेंबर हैं जूनियर कमेटी के फजल महमूद साहब हैं और इसके अलावा गुलाब साहब हैं जूनियर कमेटी के मेंबर हैं यार इनको बताओ जूरी जो फैसला देगी ना वो होगा नूरुल इस्लाम ये अपने एक मखसूस अंदाज में तंबू लेकर आ रहे हैं करेंगे और जबरदस्त कोशिश और दोबारा से जो है ये गोल होने के चांसेस नूरुल इस्लाम की तरफ से बहुत ही जबरदस्त दोबारा जो है बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे जा रहे हैं और इसको क्रिकेट की टीम अपने आसान नहीं समझा जा सकता लेकिन चित्राल के खिलाड़ी इस वक्त बहुत जबरदस्त खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त चित्राल के खिलाड़ी आपके सामने शानदार शानदार जारी है युवक तरफ मैच के सकते हैं शानदार मुकाबला इस मैच में Oh, yeah.
आगे की तरफ से अटैक तो जरूर हो रही है और बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन में है इस वक्त चित्राल की टीम, पीछे में रखे हुए हैं गिलगित की टीम को। सवाल गिलगित पे है, गिलगित खिलाड़ी बेहतरीन शॉट ₹2,000 इस टूर्नामेंट का बेहतरीन शॉट, मैच का बेहतरीन शॉट, किस शॉट को हम करार देते हैं बेहतरीन शॉट रजत के खिलाड़ी की जानिब से। रजत के खिलाड़ी तंकूप लेके आ रहे हैं तमाम की तारीफ की तरफ से। कितने दिवसी अदर स्टाइल है लेकिन हाँ ठीक है जानियो ओसरा जे पुरुन ने आप आप पुरो सोरा ने जे तो केलता न होरी होता है के लोग हैं जो स्पेन से महसूस हो रहे हैं उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो इसी तरह से लखनऊ की टीम इस वक्त जो है बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा हम पेश करी, तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे उनके खिलाड़ियों के नाम इनामात हमारे पास स्टेज पे मौसूल हो रहे हैं। ये मैच तकरीबन अपने इख्ताम मराहिल में और इस वक्त चित्राल की तरफ से खिलाड़ी दोनों पर संदूक लेके आ रहे हैं, आपकी भरपूर बेहतरीन शॉट्स आसिफ के पास बेहतरीन शॉट, एक बार फिर मोहम्मद के पास मोहम्मद यूज कर गया और एक बार फिर शाह आलम का बेहतरीन शॉट, मोहन इस्लाम एक बार फिर बाल को साथ लेते हुए गोल लाइन की जानिब। आसिफ के पास बेहतरीन शॉट गोल लाइन की जानिब, मोहम्मद बदीर के पास और ये स्कोर करने में आसिफ इकबाल चित्राली, आसिफ इकबाल चित्राली लास्ट वक्त में टीम के नौजवान खिलाड़ी और ये अपने तस्वीर को समा दे रहे हैं अपने कप्तान को कैप्टन मोहम्मद
बेहतरीन शॉट एक बार फिर यादव की जानिब से और सिर्फ की तरफ एक दो शॉट सरदार अहमद खान रोलान की जानिब बेहतरीन शॉट और ये سخت لا بد لا تبو تينه زره شي 25 شي غير شي غير شي لا لا قبل 25 شي ما سنگل شي شي اگے پڑے محمد رحمت کا پروگرام 400 شي بال کو لے کے اگے بڑھے کہ وہ تو جام سے شاٹ ہاں ہاں سے بال کے پیچھے یہ رجمائی کی چوکی شاٹ ہے गजर की टीम इस मैच में इसी ग्राउंड पर कामयाबी समेट के गए थे और इस वक्त अपने टाइटल का दिफा तरीके से नहीं कर सके और शाम में ही चिताल की टीम जो है वो अपना जो होल्ड था वो मैच पे जमाए रखा और प्रेशर बनाए रखा मुकाबले टीम पर और उसके बाद सीनियर खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और इसके अलावा गजर की टीम की जानिब से अलबत्ता कोशिश अभी तक जारी है लेकिन किसी हद तक जो है वो दिफा नहीं कर सके और मैच जो तकरीबन अपने और एक और जबरदस्त मौका दिल्ली टीम के पास गोल स्कोर करने का लेकिन खूबसूरत तरीके से डिफेंड किया चिताल के खिलाड़ी और इस वक्त वन गो इस वक्त चिताल की टीम को स्कोर की बेहतरीन हासिल कई बार इस मैच में ऐसा होता है कि खिलाड़ी तंबूक लेके जब आते हैं तो वो सेंटर लाइन में हिट करके दूसरी तरफ गोल स्कोर करते हैं और आज के मैच में हम अक्सर देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस अभी चला आ रहा है कि तंबूक अच्छे से जो है ग्रिप नहीं हो पा रहा खिलाड़ी से लेकिन अभी तो शुरुआत है शंदूर पोलो फेस्टिवल 2022 की अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत ही सनसनखेज मुकाबले अभी होने बाकी हैं आज के दिन दो मैचेस अभी बाकी हैं जो कि खेले जाएंगे यहाँ पे चिताल डी और गिलगित डी के माबेन मैच खेला जाएगा और इसके अलावा सब डिवीज़न मस्तूच और सब डिवीज़न यसिन के माबेन मैच खेला जाएगा आज के दिन तीन मुकाबले होंगे पहला मुकाबला तकरीबन अपने अख्ताम मराहल में और सरदार अहमद खान बॉल को खेल करते थे गोल की जानिब टीम बना के आई खेलने के लिए और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने टाइटल को जीतने की कोशिश की और अभी तक मौजूद है और मैं अपने इंतजाम पर आई वो मौका चिताल के पास गोल स्कोर करने का क्या जबरदस्त शॉट लेकिन अब
استاد محمد علی شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہے کہ جو سلیکشن اس نے لاسٹ پولو کے حوالے سے کیا تھا آج اس کی برکات اس کے موقعات آپ کے سامنے ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سلیکشن جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے ایک اگر آپ بہتر کھلاڑیوں کو سلیکٹ کر کے لیے آپ نہیں تو اس طرح کے بہتر کھلاڑیوں کو ضائع کر سکتے ہیں Ya jibal el 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 bunu şey. Bu yok. Dedi bir şey ki. Bir şey yapmıyor.
इसके बाद सुनिए पेश किया जाएगा जनरल मैनेजर मोहम्मद अली सैयद साहब को। इसके बाद सुनिए पेश किया जाएगा डिप्टी कमिश्नर अपर चित्राल मंजूर अफरीदी साहब को। इसके बाद स्वीकृति पेश किया जाएगा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद चित्राल अजमान हक साहब को। और आखिर में स्वीकृति पेश किया जाएगा I'm going to go to the hospital.